दोस्तों, क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग एटीएम मशीन पे गए हो पैसे निकालने और एटीएम मशीन में पैसे ना होने के कारण आप लोग को निराश वापस लौटना पड़ा? तो हमें तो लगता है ऐसा हर इंडियन के साथ जरूरी हुआ होगा, एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 के बाद से अब आप लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि RBI ने इसके ऊपर एक बहुत ही कड़ा नियम लाया है, जो कि आज की वीडियो में हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, अभी हम आ चुके हैं RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे 10 अगस्त का सर्कुलर आया हुआ है। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो RBI का इसके ऊपर एक बहुत ही कड़ा रूल आ चुका है, जिसके बारे में चलिए आपको पढ़ के बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा यह सर्कुलर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। RBI का नियम यह है कि अगर 1 अक्टूबर के बाद से किसी भी बैंक के, यानी कि इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम में 1 महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहते हैं, तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन यानी कि चार्जेस लगाया जाएगा। और ये नियम सभी प्रकार के बैंकों के एटीएम पे लागू, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर रीजनल रूरल बैंक हो। इसके साथ ही आपने सुना होगा थर्ड पार्टी एटीएम यानी कि व्हाइट लेबल एटीएम, तो उसमें भी अगर पैसे नहीं होते हैं, 1 महीने में 10 घंटे से ज़्यादा कैश नहीं होता है, तो भी उनसे एफिलिएटेड जो बैंक होंगे उनके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, RBI का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अभी देखा गया है कि एटीएम में कैश कमी बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। अगर बात किया जाए छोटे शहरों में, तो वहाँ पे एक एक हफ्ते तक एटीएम मशीन में पैसे नहीं रहते, जिसके कारण ग्राहकों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी बैंक कस्टमर्स के लिए। इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरह बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।